जैसे कि आप सभी को अपडेट दे रहे हैं कि जो अंशु इलेक्शन आज से वोटिंग प्रक्रिया शुरू होने थे तो अभी तक यहाँ नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं काफ़ी सुरक्षा बल सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ तैनात किया गया है और दो ग्रुप जो वाइस प्रेसिडेंट और जो एक और एक पोस्ट है इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी जो है उसका पोस्ट जो अलग अलग कैंडिडेट और दो कैंडिडेट को डिसक्वालीफाइड किया गया है। इसी के चलते अंडर धरना हो रहे हैं। आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है ये देखिए ये हाईवे की ओर से जाते हैं, ये यहाँ देखिए यहाँ बिल्कुल वीराना सा है, वरना अगर वोटिंग शुरू होता तो यहाँ पे लगातार लाइन होता और 3 बजे से दिए गए थे। अब लगभग 6:30 हो चुके हैं, शाम हो चुके हैं, यहाँ कोई वोटिंग नहीं हो रहे हैं और किसी वोटिंग को भी इजाज़त नहीं दे रहे हैं अंदर जाने के लिए। तो बिल्कुल अब यहाँ तनावपूर्ण है यहाँ पे सिचुएशन, प्रोटेस्ट जारी है और यहाँ किसी को आने जाने के लिए इजाज़त नहीं है अंदर की ओर, क्योंकि ये देखिए यहाँ वीराना सा लग रहा है, यहाँ कोई वोटिंग नहीं हो रहा है। इस बार का अंशु इलेक्शन जो 2024 में हो रहे हैं काफ़ी विवादित रहा और देखिए ये पूरा खाली एरिया देख सकते हैं, वरना आम तौर पे यहाँ जब वोटिंग होते हैं बिल्कुल लगातार लाइन होते हैं और यहाँ देखिए वीराना सा है। आपको मैं दिखाऊंगा कि यहाँ आप देख सकते हैं वहाँ कैसे हाईवे की ओर हम जा रहे हैं, वहाँ से लाइन लग गई है, यहाँ से वहाँ होते हैं। ये देखिए ये वहाँ से सिद्धार्थ हॉल ऊपर पे है, वहाँ वोटिंग का प्रक्रिया चलेंगे, मगर यहाँ आप देख सकते हैं सुरक्षा बल पूरा तैयारी के साथ है मेंटेन पीस एंड ऑर्डर ट्रैंक्विलिटी को मेंटेन करने के लिए, और यहाँ सिक्योरिटी फोर्स से बात कर रहे हैं। और ये देखिए बिल्कुल खाली है, शाम हो चुके हैं, रात होने वाले हैं, मगर अब भी कोई वोटिंग का प्रक्रिया नहीं है इस वक्त यहाँ पे, और यूँ माने तो आज शायद वोटिंग नहीं होंगे। तो ख़ास तौर पे उसी को सूचना दे रहे हैं कि यहाँ आज वोटिंग नहीं हो रहे हैं, शायद कल होंगे और क्या पता कल भी गुंजाइश नहीं है। आज 20 तारीख है, शाम अब 6:30 हो चुके हैं, तकरीबन 7 बजने वाले हैं, यहाँ कोई वोटिंग नहीं। ये देखिए अगर वोटिंग होता तो यहाँ लाइन होता, और पिछले 2 महीना से अंशु जो काम कर रहे हैं इलेक्शन प्रोसेस को करवाने के लिए, यहाँ देखिए पूरा वीराना सा, ये जो कुछ लोग सपोर्टर जो है प्रोटेस्टर के जो प्रोटेस्ट करने वालों को यहाँ थोड़ी देर पहले उन लोग आए थे देखने के लिए। और देखिए आमतौर पे अगर वोटिंग हुआ तो यहाँ बहुत भीड़ भाड़ था, बहुत ही खाली जगह, ईटानगर गोम्पा मंदिर के रास्ते पे ही है सिद्धार्थ हॉल। देखिए पूरा सिक्योरिटी बीपअप किए गए हैं, शाम डर चुके हैं, अगल बगल में यहाँ दुकान है, मगर ये देखिए वो देखिए ये है सिद्धार्थ हॉल। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से दो यू टर्न लेके जाना पड़ेंगे वोटिंग करने के लिए, लेकिन आप देख सकते हैं बिल्कुल वीराना सा, यहाँ पुलिस फोर्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं बहुतर से ज़्यादा, और ये जो जितना गाड़ी आना जाना कर रहे हैं ये अपने ही कॉलोनी की ओर जाते हैं। और ये देखिए सुरक्षा बल, आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये उस पार जो है अंदर तरफ है प्रोटेस्टर, आप कंफ्यूज ना होइए कि प्रोटेस्टर इस पार है, प्रोटेस्ट दिन भर सवेरे घुस चुका है उस वक्त और वहाँ पे ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और उन लोगों ने भी वोटिंग करने की कोई इजाज़त नहीं देंगे कह रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ रुका हुआ है, होल्ड किया गया है इलेक्शन प्रोसेस को। अब देखना पड़ेगा कितना वक्त लगेंगे ये वोटिंग प्रोसेस, और ये सिक्योरिटी फोर्स से बातें करते हुए नौजवान लोग सपोर्टर, यहाँ काफ़ी तनावपूर्ण माहौल है, यहाँ आसपास में हमें भी सामने आने की कोई इजाज़त नहीं दी है क्योंकि वहाँ जो कुछ सेक्शन लगाए गए हैं इसीलिए। और आप कंफ्यूज ना होइए कि अंदर की ओर वहाँ पे जो है प्रोसेशन प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ये देखिए ये जो रास्ता जो गोम्पा और सिद्धार्था हॉल से जो जाते हैं बाहर की ओर पूरा खाली पड़ा हुआ है। देखिए ये जो जितना है मुसाफिर है सफ़र करने का अपने अपने दर्जा में, ये देखिए पुलिस बिल्कुल अपने पोजीशन पे टिके हुए हैं गेट पे, एंट्रेंस और एग्जिट पे, और इसीलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि हमारे चैनल की ओर से कि आज शायद बहुत ही नहीं होंगे क्योंकि रात हो चुके हैं, और बेकार में अपना समय नष्ट मत कीजिए, वो देखिए हाईवे वहाँ से देखते हैं, तो बिल्कुल आप इंतज़ार कीजिए और अपडेट लीजिए कि न्यूज़ चैनल की ओर से सोशल मीडिया की ओर से। और ये देखिए पुलिस बल पूरा तैनात है, और जितना भी ये आना जाना करिए मेन रास्ता है कॉलोनी की ओर, जो कॉलो
इंडिया वन की ओर जाते हैं या मोदी जी की ओर जाते हैं यहाँ, और ये देखिए यहाँ से हाईवे बिल्कुल भी रहा है। देखिए अगर बोटिंग होता तो शुरू हो जाता। तो आज का अपडेट ये है, शाम हो चुके हैं तो कल फिर आपको हम अपडेट देंगे कि वोटिंग प्रोसेस शुरू हुआ कि नहीं। काफ़ी दिलचस्प होंगे अगर कमेटी क्या कहेंगे, प्रोटेस्ट जारी होंगे कि नहीं होंगे। ये देखिए लगातार यहाँ पुलिस बल तैनात किए गए हैं। तो कल फिर आप सभी को दिखाएंगे कि आने वाले वक्त में वोटिंग प्रोसेस कितने बजे अब तक शुरू होंगे, और आप सोशल मीडिया के जो द्वारा भी आप अपडेट ले सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए तो आज बिल्कुल वोटिंग बिल्कुल संभावना नहीं लग रहे हैं, क्योंकि प्रोटेस्टर अंदर में बैठा हुआ है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये बाहर वाला प्रोटेस्टर नहीं, अंदर में प्रोटेस्टर बैठा हुआ है। तो ये देखिए पूरा खाली, यहाँ वोटिंग करने से यहाँ लंबी कतार पे लाइन होते हैं, मगर आज कोई लाइन नहीं है। ये देखिए खाली एकदम। ये देखिए ये कुछ लोग जो है सपोर्टर है प्रोटेस्ट के, जो ऐसे बैठे हुए हैं नजर रखते हैं वहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।